अब नार से मिलने का हक भी नहीं है मुझे। क्या सारे रिश्ते टूट गए? मुझसे इतनी नफरत क्यों? क्या मैं इंसानियत के नाते भी नहीं मिल सकती उनसे? छा, नाहर को उकसाकर उसे लॉकअप में भिजवाने के बाद अब इंसानियत की बात कर रही हो तुम सलोनी? अरे क्या जरूरत थी आपको छोटे साले साहब को ऐसी पट्टी पढ़ाने की? अरे जिंदगी भर उन्हें जेल में देखकर ही चैन मिलेगा आपको, है ना? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था जीजा साहब कि सच का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसी पर चलने से मन को शांति मिलती है। मैं तो यही चाहती थी कि जिस घुटन में नार अंदर ही अंदर घुट रहे, उस घुटन से उन्हें मुक्ति मिल जाए, अपने गुनाह का प्रायश्चित करके ही उनके मन से ये बोझ उतर सकता। ओ प्लीज, साधु संत बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे लिए ना ये प्रायश्चित होगा, लेकिन हमारे लिए ये हमारी खुशियों का अंत है। तुमने नाहर के साथ साथ हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को भी बर्बाद कर दिया सलोनी। दोबारा मेरे भाई से मिलने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? ऐसा एक बार मुझे मिलने दीजिए प्लीज, मैं दोबारा नहीं आऊंगी, सिर्फ एक बार मिलने दीजिए प्लीज। चलें। ये नाहर से नहीं मिलेंगे, सुन लिया ना आपने? इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ दो मिनट के लिए मुझे नाहर से मिलने दीजिए प्लीज। मैडम प्लीज आप जाइए यहाँ से, वरना मुझे अपने स्टाफ को बुलाकर आपको जबरन यहाँ से भिजवाना पड़ेगा, प्लीज। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो आज तक हमसे छुपाया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि नाहर की पहले भी एक शादी हो चुकी थी? यही नहीं, उसने अपनी पहली बीवी का मर्डर किया। बेचारी सलोनी थी, वो घर छोड़कर नहीं आती तो और क्या करती? मम्मी पापा को मालूम है ये बात? सलोनी दी को एक खरोंच भी लग जाती है तो पता चल जाता है उनको। और अब जो हुआ उनके साथ वो कोई छोटी बात तो नहीं। लेकिन किसी ने बताया आपको? क्यों बताएंगे? क्योंकि अपने बेटे से ज्यादा प्यारी तो वो मन्नो भाभी, उन्हीं के कंधे पर से रखकर रो रहे होंगे मम्मी जी पापा जी। सुनिए तो कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए, अब क्या मुंह दिखाएंगे सलोनी का? मेरी तो हिम्मत नहीं है बेटी के सामने जाने की। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में हम अपनी बेटी से कुछ छिपाएंगे? आज सलोनी को हमारी जरूरत है, मेरी बच्ची की तो दुनिया उजड़ गई। घर बसाने चली थी अपनी बेटी का, क्या पता था कि आप अपने आप को क्यों दोषी ठहराती हैं मन्नू भाभी? किस्मत तो हमारी फूटी हुई है। इतनी नफरत अपने बेटे से कि घर का रोना बाजार में आके कर रहे हैं? हर बात के लिए किस्मत को ही दोष देती रही है।
तभी तो मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अरे खुद से कुछ नहीं हो सकता तो मुझे बताते आप। आपका बेटा हूं मैं, कोई गैर नहीं। लेकिन नहीं, अपने बेटे को उसका फर्ज बता सकते हैं, उसको हर बात पे टोक सकते हैं, लेकिन मुश्किल समय में उससे राय या मशवरा लेना नहीं आता आप। मुसीबत की घड़ी में सहारा देने आए हो समर, या अपने माँ बाप के घाव कुरेदने आए हो? आप बीच में मत बोलिए मनु भाभी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दिया। समर, ये क्या बोले जा रहा है तू? समर बेटा मैं तो, रहने दीजिए आप, रहने दीजिए। आप अपनी बातों से मम्मी पापा को बेवकूफ बना सकते, मुझे नहीं। मुझे तो लगता है सब आपकी चाल है। जानबूझकर सलोनी दी को उनके घर भेज दिया, हम पर एहसान किया और उनकी मदद भी कर दिया। Isn't it right? चुप हो जाओ समर। इतनी परवाह तुम्हें अपनी बहन की, हम जानते हैं। एक शब्द और नहीं कह सकते तुम मन्नू भाभी को। आप इनकी तरफदारी कर रहे हैं, इन्होंने दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी और आप इन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं। मन्नू भाभी ने क्या किया क्या नहीं किया ये हमें पता है समर, लेकिन तूने क्या किया? इस कावेरी ने हमें घर से बेघर कर दिया और तूने इसकी बातों पर भरोसा करके अपने माँ बाप को दुश्मन समझ लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मैं बहस नहीं करना चाहता, हम सिर्फ यहाँ ये बताने आए कि अपने ही बच्चों को पराया करके उन्हीं पर फिर इल्जाम लगाना ये ठीक बात नहीं। तुमने हमें हमारे घर से तो निकाल ही दिया है, लेकिन कम से कम यहाँ तो चैन से जीने दो। आज मैं तुम दोनों से कहती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। चला जाता, लेकिन एक बात कह दूं, आज जो हम सब सड़क पर आ गए उसकी वजह और जड़ वो शादी है जो जल्दबाजी में करवाई गई, किसी को समझने का मौका भी नहीं दिया गया। थैंक्स टू मन्नू भाभी, सिर्फ सलोनी दी की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, हम तीनों बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई उस शादी की वजह से। हम तीनों बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई उस शादी की वजह से। माता रानी गवाह है देवर्षि, मैंने जानबूझ के सलोनी को खाई में नहीं फेंका। मन्नू भाभी शांत हो जाइए, मन्नू भाभी शांत हो जाइए। समर की बातों को दिल से मत लगाइए मन्नू भाभी। सलोनी मेरी बेटी नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका एक आंसू कितनी मौत मारता है मुझे। Thank you.
उन आंखों में अपने लिए प्यार का समुंदर देखा करती थी मैं, उन आंखों में आज सिवाय नफरत के कुछ नहीं है बुआ साहब। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुमने कुछ गलत नहीं किया सलोनी, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती जिसे नफरत की नजर से देखा जाए। फिर किसकी नजर लग गई मेरी खुशियों को, किसका श्राप लगा मेरे जीवन पर? हर सुख दो पल के बाद मुझसे मुंह मोड़ लेता है बुआ साहब। तुम खुद ही कहती थी ना कि सुख दुख धूप छांव की तरह है, अब इस तरह घबरा कर तुम खुद टूट नहीं सकती, खुद को दोषी मत समझो। घर चलो, घर पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रूप सिंह देखो ना कौन है। पता नहीं हुकुम, यहां तो कोई भी नहीं है। कोई कैसे नहीं, पहचाना इसे? Not fair, आप सब मुझे भूल गए ना? तुम कहीं जूही तो नहीं? देखा, सिर्फ भाभों ने पहचाना मुझे। आंटी नहार कहाँ है वो दिखाई नहीं दे रहे। तू भी क्या जूही, एक तो इतनी देर रात को आ धमकी और ऊपर से सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। चल अंदर, मैं अंदर ले जाती हूँ तुझे। जूही जूही जूही, जब तुम्हें नहार के सरेंडर के बारे में पता था तो सबके सामने पूछने की क्या जरूरत थी? ओह रिलैक्स आंटी, जरूरत कैसे नहीं थी? सबको शक नहीं हो जाता कि पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे आपने दी है? इम्प्रेस्ड? हमारी छोटी सी जुई इतने वक्त में इतनी इंटेलिजेंट कैसे बन गई? ऑफ कोर्स, इंटेलिजेंट आंटी की इंटेलिजेंट भतीजी, राइट? अच्छा आंटी, अब मुझे जल्दी से डिटेल में बताइए, नाहर ने यूं अचानक अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों कर दिया? Well, it's a long story. लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे इस परिवार के लोगों को शीशे में उतारना होगा, बाद में देख सब कुछ चुटकी में हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा? तुझे तुझे सलोनी बनना होगा, नाहर के मन से सलोनी का भूत उतारना उतना आसान नहीं है, टाइम लगेगा। तब तक हम तुम्हें जो कुछ भी कहें करती जाओ। क्या बात है, इतनी जल्दी उठ गए तुम आज? नींद आए भी तो कैसे नहीं। सलोनी, क्या मैं इतना गैर हो गया हूँ कि हमारी दोस्ती पर तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा?
बात भरोसे की नहीं है नील। शादी के बाद उस परिवार की बातों को अपने आप तक ही रखना चाहती थी। अपने ससुराल के मान मर्यादा से जुड़ी बातें किससे कहती? एक बहू होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरी, लेकिन आज कोई पर्दा ही नहीं रहा। उन दीवारों के पीछे क्या हुआ सब जान गए। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ सलोनी, मगर नहीं देख सकता मैं तुम्हें इस हाल में। अब यही मेरा नसीब है नील। आज मेरे कारण नाहर पुलिस स्टेशन में मैं गई थी उनसे मिलने, लेकिन नाहर से मिलने की इजाजत नहीं दी उन सब ने। बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूं मैं तारा। इतने अरसे के बाद भी हम नाहर के मन से ये बात नहीं निकाल पाए हैं कि वो चांदनी की मौत। काश नाहर अपना तो भूल पाए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन यावत, तुमको निश दिन यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। मुझे तो पता ही नहीं चला नाहर के इंसिडेंट के बारे में। सुना, बहुत बुरा लगा। भगवान जी से यही प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें सही सलामत घर वापस ले आए। इमोशनल बच्ची है जूही। जब से नाहर के बारे में सुना है आंसू रुकते नहीं उसके। बहुत बड़ा दिल है तेरा लाडो, सारा दुख अकेले ही सह लेना चाहती है। इतना बड़ा धोखा उन लोगों ने तुझे दिया और तूने अपने माँ बाप तक को नहीं बताया। इन आंखों को अपनी औलाद के लिए सपने देखने के साथ साथ उनके दुखों में आंसू बहाने का अधिकार भी है बेटा। कब तक हमारे हिस्से के आंसू बहाती रहोगी? मैं आप सबको जरा सा भी दुख नहीं देना चाहती पापा, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर है। मुझे माफ कर दे बेटा, ये सब मेरे ही कारण से हुआ है। तेरी इस बर्बादी की जिम्मेदार मैं ही हूं बेटा। नहीं मन्नु भाभी, आपने मेरे लिए खुशियां ही ढूंढी थी, जो हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं। बेटा अनजाने में ही सही, लेकिन बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। अब अपनी उस भूल को सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मन्नो भाभी चैन से नहीं बैठेगी बेटा। जिस डाल पर धोखे और फरेब के फूल खिलते हो, उस डाल पर फिर से घरौना बनाने की उम्मीद करने की बजाय उस डाल को काट देना बेहतर है बेटा। साइन कर दो बेटा।
ये क्या है मनु भाभी? नाहर से डिवोर्स के पेपर्स है। 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 नाहर से डिवोर्स के पेपर्स है।